शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
पूनम का इलाज नहीं कर पा रहा। इसलिए क्योंकि पूनम ये एक्सेप्ट करने को राजी नहीं, ये सब उसके दिमाग का वहम है ना। तो मेरी दी हुई दवाइयाँ खाती है पर ना ही किसी ट्रीटमेंट के लिए राजी होती है। तुम लोग घर जाओ, काफी देर हो चुकी है। सर मैं कल काम करूँगी। अरे तुम ड्राइविंग के साथ साथ हॉस्पिटल का काम भी संभालते हो, ऐसा कैसे करेंगे? वो क्या है ना सर, मेरी बीवी का 4-5 दिन से अलग ही बनता हूँ। क्या मतलब? कुछ उसके सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हुए हैं जिसके फॉलोवर बढ़ गए। जब देखो तो फिल्मों में हीरोइन बनने की जिद करती है, जब मैं उसे समझाता हूँ तो मुझे छोड़ देने की जिद करती है। अब मैं परेशान हूँ। मैं काम करूँ, तुम उसे अपनी क्लिनिक में, मैं उससे बात करता हूँ, मैं ऐसे समझा। ठीक है सर, मैं ले आऊँ, मैं भी चलता हूँ। ठीक है। अरे तुम गई नहीं? पहले आप रिलैक्स हो जाइए, मैं फिर चली जाऊंगी। सर मैं आ गया, ले आया प्रिया को, भेजो उसे अंदर। गुड, अच्छा हो तुम आ गए, भेजो उसे अंदर। जी सर। मुझे पता है अमरीश मुझे आपके पास क्यों लेके आया है। अमरीश की इतनी सुंदर बीवी, ये तो बला की खूबसूरत है। इससे पहले कि आप हमसे कुछ पूछें, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। पूछो। मुझमें इसे क्या कमी है कि अमरीश को लगता है कि मैं हीरोइन नहीं बन सकती? देखो क्यों ऐसा ना हो। सच में मेरे फिफ्थ लाइन के पेशेंट हैं जिनसे मैं तुम्हारे लिए बात कर सकता हूँ, लेकिन अमरीश को पसंद नहीं कि तुम फिल्मों में काम करो। अमरीश को पसंद आने या ना आने से क्या फर्क पड़ता है? इस लाइन में एंटर करने के लिए आप जो करेंगे सब कुछ करूंगी, फिर चाहे मुझे उसे छोड़ना भी क्यों ना पड़े। सॉरी डॉक्टर, इमरजेंसी है, बेड नंबर 9 का पेशेंट बहुत अच्छी बिहेव कर रहा है। ठीक है तुम चलो, मैं आता हूँ। सॉरी इमरजेंसी, जाना पड़ेगा। तुम अपना नंबर लिख लो, मैं तुम्हें कॉन्टैक्ट करूंगा। हॉस्पिटल की सारी लड़कियाँ डॉक्टर की बीवी बनने का सपना देखने लगी। सारी लड़कियाँ मतलब कि ये कि तुम डॉक्टर सुनील का फोटो देखती रहो और उधर सिस्टर लीलू छठे गियर में गाड़ी चला रही है। आजकल तो रात में डॉक्टर सुनील घर से गिर जाती है। वो देखो वो जा रही है, अब आधे घंटे तक बाहर नहीं निकलेगी। डॉक्टर सुनील है कैबिन में जाके, आखिर करती क्या है? तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा कि बेड नंबर 9 को इमरजेंसी है? जब तक मैं आपके पास है
क्या जरूरत है आपको किसी और के पास जाने की? तुम मुझे इरिटेट कर रही हो। ठीक है, अगर ऐसा है तो अब नहीं आऊंगी आपके पास, जा रही हूं मैं। सामने से हटो। मैंने कहा सामने से हटो। आपका स्ट्रिक्ट ऑर्डर, किसी को अंदर जाने ना दिया जाए। तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो और ये हॉस्पिटल किसका है? सामने से हटो वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। क्या बात हो रही है? यही समझना चाहती हूँ। ये ना हॉस्पिटल है और इसे ना कुछ भी नहीं है। सच में? हटो। दूसरी दवाई लेने से ही ठीक हो सकते हैं। तू इनकार करती हो दवाई खाने से? दूसरी दवाई खाने से ही ठीक हो गए। I'm sorry इंस्पेक्टर वीना, मेरी वाइफ को हैलुसिनेशन होती है। अभी कुछ दिन पहले कह रही थी उसकी बहन की आत्मा ने कमरे का पूरा सामान तोड़ फोड़ सब तहस नहस कर दिया, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। वो मेरा हैलुसिनेशन नहीं था। अंकिता ना, हमें कुछ बताना चाह रही थी, हमें डराना चाह रही थी, सच में। और आज तुम्हारी मरी हुई बहन अंकिता की आत्मा ने तुम्हें फोन करके ये बताया कि मैं किसी के साथ हूँ? नहीं नहीं, फोन अंकिता ने नहीं किया था, फोन तो मुझे किसी ने हॉस्पिटल से किया था। सॉरी, मुझे आपके इंटरनल मैटर में बोलना तो नहीं चाहिए, मगर डॉक्टर सुनील कह रहे हैं कि आपको दवाइयों की जरूरत है, तो आपको मान लेना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि कोई तीसरा आपकी मजबूरी का फायदा उठाए। ओके डॉक्टर सुनील, मुझे जानकारी चाहिए आपसे। मिल चुकी, थैंक्स डॉक्टर। तुम क्या देख रहे हो? चलो।
अनिल को मैं कैसे यकीन दिलाऊं? जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है ना, वो मेरा वहम नहीं है, वो सच है। सब कुछ ऐसे नजर आता है जैसे सच में हो रहा है। किसी को भी गुनहगार साबित कर दोगे। तुम सही कह रही हो। मैं अपना टाइम से दवाई लूंगी। मेरा सर भी बहुत दुख रहा है। तुम दवाई लेके आराम करो। मेरा हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट है। अमरीश चलो। पेशेंट के भी और सिस्टर नीलू के भी। सिस्टर नीलू उसे क्या है? पता नहीं, ऐसे सिखाई नहीं दे रहे। मुझे बन गई ना, मैं दे दूँगी उसे। ठीक है, उसे दे देना और मुझे पूनम मैडम को शॉपिंग कराने जाना है। तुम चलते हैं।
हमारे होश उड़ने वाले। सुनो मामूली सी न्यूज़ है, डॉक्टर से शादी के सपने देखे क्या? वो तो आप देखने के लिए मेरी बात को तुम्हारे लिए तो ईश्वर ने पहले से फैसला था कि तुम्हें इस अस्पताल से देखो मैडम, मेरे लास्ट में आने की कोशिश भी मत करो। और तूने भी उनको जब कॉल किया था मुझे पता चल चुका है वो मैंने ही किया था, तो अगली बार ऐसी हरकत की बहुत बुरा होगा। अच्छा, अच्छे और बुरे का फैसला तो हो चुका है। वैसे तुम्हारे लिए मेरे पास एक गुड न्यूज है। प्रोटोकॉल के हिसाब से बिन ब्याह ही लड़की अगर माँ बनती है और तुम जैसी आवारा लड़की हो तो नौकरी पे नहीं लग सकती। प्रेग्नेंट हो की भनक भी पड़ी बात इस हॉस्पिटल से मुझे बाहर निकाल कर खड़ा कर, उसका इतना बड़ा हॉस्पिटल उसकी सारी प्रॉपर्टी सब हाथ से निकल जाए। हमने तो उसे पागल साबित कर दिया था ना, सिर्फ क्या है? इतना आसान नहीं है जितना तुम्हें सब कुछ लग रहा है। इतने मुश्किल से तो मैंने उसको दवाइयाँ खाने को राजी किया, अब दवाई में मेरा स्लो पॉइजन धीरे धीरे अपना असर करेगा और फिर एक दिन अचानक उसका दिल धड़कना नेचुरल है, पर हम हमेशा के लिए पूनम के इस झंझट से आज़ाद हो जाएंगे। फिर कर लेंगे हम शादी। ठीक है, मैं अबॉर्शन करवा लेती हूँ, पर क्या करूँ, थोड़ा इंतज़ार तो करना ही पड़ेगा। क्या सुना तूने? मैंने कुछ नहीं सुना। डॉक्टर, इसने सब सुन लिया है, ये सब कुछ गड़बड़ कर देगी। देख क्या रहे हो, कुछ करो ना। थोड़ा दर्द हो रहा था, ठीक हो जाएगा।
तुम रुको, मैं आती हूँ। मार दिया इन्होंने प्रिया को। नहीं, मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने किसी को नहीं मारा है। डॉक्टर सुनील, डॉक्टर सुनील, ये क्या है? क्या कर रही हो? वो एकदम से वार्निंग गायब हो गई और आप पूरे दिन हॉस्पिटल में नहीं थे, इसलिए मैं घर आ गई। डॉक्टर हॉस्पिटल में नहीं थे? मैं तो पूरा दिन हॉस्पिटल नहीं था। इसी कमरे में भूल गए हैं। ये रहा आपका बैग। जब आप प्रिया की हत्या करके भागे थे तो आप बैग इसी कमरे में छोड़ के भाग गए थे। मैडम पूनम वहम में नहीं सच बोल रही थी। कहा था कि उनका वहम है क्योंकि मैं आपके साथ हॉस्पिटल में था। वही कहानी दोहरा रहे हैं आप। तुमने अमरीश को भेजा था मेरे पीछे? तुम्हें क्या करता, तुम्हें कैसे यकीन दिलाता कि तुम्हें वहम होने की बीमारी है? आखिर तुम पाबंदी से दवाई खा सको और ठीक हो जाओ। हम क्या चाहते हो तुम? अब तुम नहीं बचोगे, जेल जाएगा तुम। तुमने क्या कर दिया पूनम? तेरी बीवी ने पागलपन में मेरे ड्राइवर और उसकी बीवी का कत्ल कर दिया। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने किसी को नहीं मारा। सुनील ने मारा, इन दोनों को सुनील ने मारा, मैं सच बोल रही हूँ। मैं इंस्पेक्टर साहब ये तो अच्छा है कि मेरा फोन ऑटो रिकॉर्डिंग मोड पे रहता है। जब पूनम ने प्रिया का कत्ल किया था तो विष्णु मुझे कॉल किया था, आप खुद सुन लीजिए। और जब तक मैं नीलू के पास हॉस्पिटल से यहाँ आया तब तक पूनम ने अमरीश का भी खून कर दिया था। पूनम आपको हमारे साथ चल रहा हूँ। मैं सच कह रही, मैंने कुछ नहीं किया। वो सच कह रही, वो पागल नहीं, उन्होंने कुछ नहीं। क्या सबूत है तुम्हारे पास? क्या सबूत है? ये जिस दिन सिस्टर नीलू की रिपोर्ट मेरे पास आई थी प्रेगनेंसी की, उसी दिन मैंने इन दोनों की सारी वीडियो बनाई, फिर उन्होंने मुझे पकड़ भी लिया, लेकिन मैंने फोन छुपा लिया, इसके कारण मैंने वीडियो नहीं देखा। जान बचाकर पूनम मैडम को अभी सच बताना है। डॉक्टर अब सच बता दे तो बेहतर होगा, वरना हमें अपने ढंग से पूछना आता है। मैं नहीं किया कुमार, पूनम अमरीश को जाने ले
क्या घबरा रहे हो? हम उसे कहने लगे अगर अमरीश आ गया तो घर सब हो जाएगा। हम तो कहते हैं कि आप ही हमारे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। मैंने फोन के रिसीवर में ऑटो रिकॉर्डिंग डाल दी थी, सेट टाइम पे बजता था और यही वजह थी कि फोन का तार निकालने के बाद फोन हर रोज उसी समय बजता था। पहली बार पूनम विदेशी मेरे को राजी हो गया और मैंने उसे हाइड आउट कंडीशन दिया जिससे उसे हैलूसिनेशन होने लगे और ऐसी चीजें नजर आने लगी जो कभी थी। मगर फिर भी पूनम दवाई खाने को राजी नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने अमरीश को समझा कर पूनम के साथ जबरदस्ती करने को दिया और उसकी शिकायत करने पर मैंने उसे यकीन दिलाया कि अमरीश तो मेरे साथ था। इस कमीने ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, अगर तुम बैंक से नहीं आते ना तो मुझे। लेकिन अमरीश तो मेरे साथ था, हम जस्ट हॉस्पिटल पहुंचे थे कि तुम्हारा कॉल आ गया, तो फिर ये तुम्हारे साथ कैसे हो सकता है? इसके बाद पूनम पाबंदी से दवाइयां लेने को राजी हो गई जिसमें मैंने उसको अपॉइंटमेंट दिया है। तिवारी टेलीफोन कर इसी बार चेक करो। प्रोफेशन को भी बदनाम करने की कोशिश की है। मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि तुम प्रॉपर्टी के लालच में ये सब कर दोगे, किसी का खून कर दोगे। डॉक्टर सुनील, मुजरिम कितना भी होशियार क्यों ना हो वो पकड़ा ही जाए। हेलो एम्बुलेंस, चलाएंगे।